लक्ष्मण की तीन पत्नियां थी। इसके बावजूद रामायण या किसी अन्य स्त्रोतों में उनकी दो पत्नियों का उल्लेख नहीं मिलता। इसकी वजह ये है कि लक्ष्मण ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर जो उदाहरण पेश किया, उसकी वजह से वो अपने पत्नी को काफी प्यारे थे। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब तक लक्ष्मण राम के साथ वनवास में रहे, तब तक उर्मिला सोती रही। सोने का कारण आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात से प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए, तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब तक लक्ष्मण राम के साथ वनवास में रहे, तब तक उर्मिला सोती रही।